Welcome to everyone to my YouTube channel Promethe with Sir Ramesh. आप लोग हैं सर रमेश के साथ. आज हमारा जो टॉपिक है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. इससे पिछले टॉपिक में हमने किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था, अर्थमेटिक मीन किया, उसके बाद हमने पढ़ा अर्थमेटिक सीरीज. तो वन बाय वन में जो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, उनके एग्जांपल्स भी, उनको हम काम पे यूज़ करें, उनके एप्लीकेशंस भी. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. जैसे पहले हमने अर्थमेटिक जैसे सीक्वेंस की थी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि फिक्स नंबर को ऐड कर रहे थे कि नेक्स्ट नंबर बनाने के लिए पिछले वाले नंबर में हम कोई ना कोई फिक्स नंबर को हम ऐड कर रहे थे. तो जो सीक्वेंस बन रही थी वो क्या कह रहे थे, एपी कहलाई थी, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते थे. लेकिन आज क्या है कि हम जो प्रीवियस वाले नंबर में से कुछ फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाला नंबर बनाएं. क्या कर रहे हैं, प्रीवियस वाले नंबर में कुछ न कुछ मल्टीप्लाई, फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट नंबर जो है मल्टीप्लाई करते जाएंगे. तो एक जो सीक्वेंस बनेगी उससे हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं. उसको डिनोट करते हैं जीपी से. तो जो मल्टीप्लायर हमारे पास नंबर होता है, जो मल्टीप्लाई नंबर होता है फिक्स नंबर जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं. और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो है जीरो कभी भी नहीं होगा. जीरो जो है कभी भी टर्म जो उनका नहीं होगा, नंबर जो है जीरो हम इंक्लूड नहीं करेंगे. तो स्टार्टिंग में हमारे पास या कोई भी दरमियान जो है जीरो कभी भी नहीं होगा. तो आइए देखते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं जीपी से. सो अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो टर्म. हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कभी भी जीरो नहीं होगा. द फर्स्ट नॉन जीरो टर्म इज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस बाय अ फिक्स्ड नॉन जीरो. एक फिक्स नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो करते हैं. और कॉमन रेशियो मालूम कैसे करते हैं, सेकंड नंबर के दो हम एडजेसेंट नंबर लेते हैं, जिसमें सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर करते हैं, तो हमें जो रेशियो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं. उसको डिनोट करते हैं हम आर से. इट्स कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें हम प्रीवियस वाले नंबर में से कोई ना कोई फिक्स नंबर जो कि नॉन जीरो हो उससे मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट नंबर बनाने के लिए. तो जो फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं. और कॉमन रेशियो कैसे मालूम करते हैं, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एक कॉमन रेशियो कहलाएगा. और उनको डिनोट करते हैं आर से. तो इस टाइप की जो सीक्वेंस बनती है उसे हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं जीपी से. So the fixed multiplying number is known as a common ratio. It is denoted by R. अब हमारे पास लेट A भी the first term. अगर A जो है वो first term है, R क्या है, common ratio है, तो GP क्या बनेगी, A, AR square, AR2, AR power 4 up to AR power n-1. तो इससे हम क्या करते हैं, ये first term है उसका T1, ये उनका बनेगा second term T2, ये बनेगा third term T3, ये fourth term T4, ये बनेगा T5, ये इनका बन जाएगा TN टर्म. तो फर्स्ट टर्म क्या है, A, सेकंड टर्म AR क्योंकि R से मल्टीप्लाई किए, थर्ड टर्म जो मिलेगा ये सेकंड टर्म से हम R से मल्टीप्लाई करेंगे T2 into R, तो ये क्या बनेगा, AR स्क्वायर बनेगा. फिर नेक्स्ट वाला टर्म बनाने के लिए एक और R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR3 बना. फिर फिफ्थ टर्म मालूम करने के लिए एक R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR4 बना. तो ये जो है सीक्वेंस क्या कहलाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लाइन. तो अब देखते हैं कि 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 इसमें से कोई भी दो नंबर आप लें सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, हमेशा क्या निकलेगा, सेम. एपी में हमारे पास क्या थे, हम कॉमन डिफरेंस लेते थे सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या है, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर रहे हैं. तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, 4 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या निकला 2. तो इसे हम क्या करते हैं, ये हमेशा सेम निकलेगा. 8 और 4, 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2. 16 डिवाइड बाय 8 क्या निकला 2. 32 डिवाइड बाय 16 क्या निकला 2. तो इसे हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं. तो ये अब पहचान हो गई कि
एपी की पहचान क्या था कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, लेकिन जीपी की पहचान कैसे कि सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करेंगे, कोई भी दो आप सीक्वेंस में नंबर लें सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करेंगे तो हमेशा क्या होगा जो रेशियो है वो हमेशा सेम निकलेगा। अब इसमें देखें 3 डिवाइड बाय 1 3 9 डिवाइड बाय 3 3 27 डिवाइड बाय 9 3 81 डिवाइड बाय 27 3, तो ये भी क्या है हमारे पास जीपी है। अब इसमें इस वाली जीपी इसमें भी क्या निकलेगा 1/2 या 1/4 1/8, इसमें जो कॉम्बिनेशन निकलेगा 1/2 निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा आयोटा निकलेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं या रियल नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जीरो जो है कभी भी नहीं होगा। अब इसमें हमने ये नहीं लिखा कि ये 20 टर्म्स तक लेना है 50 टर्म्स तक लेना है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी इनफिनिटी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। फाइनाइट के लिए यहाँ तक आप क्या लास्ट टर्म गिवन होगा 20th टर्म 10th टर्म 15th टर्म 16th टर्म। तो जनरल टर्म जीपी का क्या है हमारे पास जनरल टर्म है टी एन इज इक्वल टू ए आर पावर ए माइनस 1 के इक्वल है, इसको हम एल भी लिख सकते हैं, एल लिखें टी एल लिखें एज यू विश। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकंड टर्म क्या बनेगा ए आर, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टर्म के लिए एन की जगह पर क्या करेंगे 2 2 माइनस 1 1, तो आर पावर 1 तो ए आर। थर्ड टर्म के लिए 2 माइनस 1 2, तो ए आर स्क्वायर बनेगा। फोर्थ टर्म के लिए ए आर पावर 3, एन टर्म के लिए ए आर पावर एन माइनस 1। तो एक क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द एक्स टर्म ऑफ द दिस सीक्वेंस, तो 2 4 8 अप टू मालूम करना है। तो एन की वैल्यू क्या है 8। अब पहले इसमें क्या चाहिए ए चाहिए बी चाहिए आर चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है 2, तो ये लिखा है ए इक्वल टू 2। सेकंड टर्म कौन सा है 4 है, तो बी इक्वल टू 4। एन की वैल्यू क्या है 8, एस टर्म चाहिए तो ये 8 लिखा है एन की वैल्यू, तो ये हमें क्या करना है मालूम करना है। तो पहले कॉमन रेशियो मालूम करना है, कॉमन रेशियो के लिए क्या बताया कि सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो 4 डिवाइड बाय 2 क्या बना 2, तो टी एच इक्वल टू आर पावर एन माइनस 1, टी एच इक्वल टू 2 पावर एन की वैल्यू 8 है 8 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 पावर 7, 2 पावर 7 किसके इक्वल है 128 के, 128 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या बना 256। अब इसमें जो आप मालूम कर सकते हैं इसका आप क्या करें 15th टर्म मालूम करें, इसका आप 12th टर्म मालूम करें, इसका आप 9th टर्म मालूम करें, इसका जो आप मालूम करें 21st टर्म। तो ये जो है आप ये प्रैक्टिस के लिए रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो आप मालूम करें, ये 15th टर्म 12th टर्म इस वाले फार्मूले से टी एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1। अब इस फार्मूले में क्या है कि हमारे पास वेरिएबल कितने ठीक है, तो ए ये ए बना आर 2 ये एन 3 ये टी एन 4, चार वेरिएबल 3 हमें गिवन होंगे और एक जो हमें मालूम करना अननोन होगा, तो 3 जो होगी नॉन होंगी, एक जो होगा वो अननोन होगा। अब इसमें देखें कि ए हमें पता है बी भी पता है, तो हमने आर मालूम कर दिया, आर हो गया ए हो गया, एन की वैल्यू हमें गिवन है 8, तो टी एफ एन जो हमें मालूम करना था, तो 3 जो है वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हमें गिवन होगी, फोर्थ जो है अननोन होगा जिसकी हमें वैल्यू मालूम करनी है। तो ए गिवन हो आर गिवन हो एन गिवन हो तो हम टी एन मालूम कर सकते हैं, टी एन गिवन हो एन गिवन हो आर गिवन हो हम ए मालूम कर सकते हैं, टी एन गिवन हो ए गिवन हो एन गिवन हो हम आर मालूम कर सकते हैं। तो वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास कि क्वेश्चन किस नेचर का है, क्या मालूम करना है, क्या हमें ठीक है।